धर्म प्रेमी सज्जन वृंद और प्राणाधार आत्मा संबंधी सुंदर साथ जी, ये एक सामाजिक रोग है और इस प्रकार का रोग है कि किसी रोगी को भी नहीं लगता कि मैं रोगी हूँ। मैं बात करना चाह रहा हूँ मूर्ति पूजा के विषय में। जितने भी धर्मग्रंथ हैं, जिनको हम आर्ष धर्मग्रंथ कहते हैं, जिनको हम श्रेष्ठ धर्मग्रंथ कहते हैं, चाहे वो वेद हो, दर्शन हो, उपनिषद हो, चाहे गीता हो या फिर संतों की वाणी हो, कोई भी धर्मग्रंथ हमें मूर्ति पूजा की तरफ नहीं ले जाती। न ईश्वरीय वाणी कहलाने वाली वेद ले जाती है और न ही वेद के आधार पर वेद के जो व्याख्यान ग्रंथ हैं, आरण्यक, उपनिषद इत्यादि, न दर्शन कहीं हमें जड़ पूजा की तरफ ले चलती है, न परब्रह्म की आवेशित ब्रह्मवाणी हमें उस तरफ ले चलती है। केवल जो काल्पनिक पुराण है या फिर जैन तथा बौद्ध मत में जो महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध की मूर्ति बना करके उनके प्रतीक के रूप में पूजने की जो चलन थी, पूजने की जो प्रथा थी, वहाँ से बाकी जितने भी मत मतांतर है वहाँ धीरे धीरे मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गई, जिसका दुष्परिणाम आज हमें देखने को मिल रहा है, हम समझ रहे हैं। अगर कोई भी जिसने धर्मग्रंथों को पढ़ा है, वास्तव में धर्मग्रंथ का मतलब सिर्फ मैं पुराणों की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसने वास्तव में वेद, दर्शन, उपनिषद को पढ़ा है, जिसने गीता को पढ़ा है और जिसने उसको पढ़ करके अपने जीवन में उतारा है, और आज का जो शिक्षित समाज है वह इस बात को अच्छी तरह से समझ सकता है कि वास्तव में जिस मूर्ति की हम पूजा करते हैं, जिसकी हम उपासना करते हैं परमात्मा का रूप मान करके, वास्तव में वह उपासना कहाँ तक सही है या फिर गलत है, क्योंकि इसके बहुत सारे दुष्परिणाम हैं, एक ही नहीं। चाहे आप इसको आध्यात्मिक क्षेत्र से देख लीजिए, चाहे आप इसकी नैतिक दुष्परिणाम को देख लीजिए, चाहे आप मूर्ति पूजा के सामाजिक दुष्परिणाम को देख लीजिए, चाहे आप इसकी आर्थिक दुष्परिणाम को देख लीजिए, चाहे आप इसके राजनैतिक दुष्परिणाम को देख लीजिए, हर तरह से जो जड़ पूजा है, मैं केवल किसी मूर्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो मूर्ति के रूप में हो, चाहे वो फोटो के रूप में हो, चाहे वो किसी की समाधि के रूप में हो, हर प्रकार से जड़ पूजा जो है दुष्परिणाम ही लेकर के आती है। आने वाले कुछ दिनों में हम इस विषय को बहुत अच्छी तरह से, बहुत गहराई से समझेंगे, क्योंकि ये विषय इतना बड़ा है। जितने भी मत मतांतर के लोग हैं, आज केवल कोई विशेष संप्रदाय ही इससे ग्रस्त हो ऐसा नहीं है, कोई विरला ही होगा जो इससे अछूता रहा है, जिसने वेद, दर्शन, उपनिषद को पढ़ा है, समझा है, या फिर अन्य धर्म ग्रंथों को भी अगर किसी ने समझा है अच्छी तरह से, और अगर किसी ने धर्म ग्रंथों को नहीं भी पढ़ा है, क्योंकि कुछ बातें केवल पढ़ने से नहीं आती, कुछ बातें अंतरात्मा की गवाही से भी आती है, अंतरात्मा की साक्षी से भी आती है। अगर किसी का विवेक भी जागृत है, विवेक चक्षु भी अगर खुला है, थोड़ा सा भी अगर सोचने विचार करने की और सत्य को ग्रहण करने की क्षमता है, तो वो इस बात को स्वीकार करेगा। अन्यथा मैं अभी से कह रहा हूँ कि इस बात का बहुत ज़्यादा विरोध होने वाला है। विरोध इसलिए क्योंकि मैंने पहले ही कहा, ये एक ऐसा रोग है जिसमें रोगी को स्वयं भी नहीं लगता कि मैं रोगी हूँ, तो इसका निदान कैसे होगा, इसका उपचार कैसे होगा? क्योंकि किसी रोग का उपचार तो तब हो सकता है जब रोगी को लगे कि मैं रोगी हूँ, तभी तो वो औषधि स्वीकार करेगा। जब तक वो दवाई स्वीकार नहीं करेगा अपने लिए, तब तक उसके रोग का निदान नहीं हो सकता, उस रोग का उपचार नहीं हो सकता। तो पहले तो बीमार व्यक्ति को, रोगी को लगना चाहिए कि हाँ मैं रोगी हूँ और मुझे औषधि की आवश्यकता है, तभी वो जो ज्ञान का विषय है उसको सुन पाएगा। इस विषय में जितने भी तर्क देंगे, जितने भी प्रमाण देंगे, जितने भी तथ्य प्रस्तुत करेंगे, जितने भी उदाहरण देंगे,
अगर रोगी को नहीं लगता, अगर पूजक को नहीं लगता कि नहीं ये जो तरीका हमने अपनाया है वह गलत है, तब तक दूसरे के समझाने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि धर्म को समझने के जो चार तरीके बताए, चार स्तर बताए, उनमें कहा श्रुति ही स्मृति सदाचार स्वश्च प्रिय आत्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। तो जो आत्मा को जो प्रिय है, अंतरात्मा की जो साक्षी है, वो हमें अंदर से आनी चाहिए। लेकिन हाँ, इसमें जो हम तथ्य प्रमाण प्रस्तुत करेंगे, जो हम उदाहरण देंगे, उससे ये हो सकता है कि किसी जिज्ञासु के अंदर, किसी भी मूर्ति पूजक के अंदर, किसी भी जड़ पूजक के अंदर अगर ये बात आ जाए कि क्या हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, अगर इतना भी सोचने लग जाए, तब भी मैं मानूंगा कि हम जिस विषय पर इतना जोर दे करके बोल रहे हैं वह बोलना और ये आपका सुनना सार्थक होगा। केवल विरोध की दृष्टि से नहीं, सत्य को स्वीकार करने की दृष्टि से, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति का लक्षण है कि वह सत्य को स्वीकार करने में और असत्य को छोड़ने में हमेशा तत्पर रहे। अब कुछ विषय हैं, मैंने पहले ही कहा आध्यात्मिक स्तर पे जड़ पूजा का दुष्परिणाम क्या है, राजनीतिक स्तर में, सामाजिक स्तर पे, और उसका इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा है, उसका राजनीति पर, उसका अर्थशास्त्र पर, या समझ लीजिए कि आर्थिक रूप से उसका क्या प्रभाव पड़ा है, नैतिक दृष्टि से उस पर क्या प्रभाव पड़ा है, इस विषय को हम सुनेंगे। अब सबसे पहले, क्योंकि जब हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं तो अध्यात्म में, अध्यात्म की शुरुआत ही क्योंकि हम ग्रंथों से अध्यात्म को समझते हैं, ग्रंथ हमें प्रमाण रूप होते हैं, और उनमें भी जिनको हम ईश्वरीय ग्रंथ कहते हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी मूर्ति पूजक हैं, वो किसी न किसी रूप में वेद का तो आधार लेते ही हैं। तो सबसे पहले हम वेदों से शुरुआत करते हैं। अब इसमें वेद, दर्शन, उपनिषद सभी का रूप, सभी का प्रमाण दे करके फिर ब्रह्मवाणी के विषय में भी हम जानेंगे और अन्य धर्म ग्रंथों के विषय में भी जानेंगे। चूँकि इस विषय को आगे बढ़ाने से पहले ये प्रश्न हो सकता है, जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं, उनके अंदर ये प्रश्न हो सकता है कि इस विषय को, इस चर्चा को या इस प्रवचन को कहने का कारण क्या है। तो मैं कारण पहले से स्पष्ट कर दूँ। अभी समाज में ये प्रचलन चला है कि अभी कुछ दिन पहले गणेश चतुर्थी बीता है, प्रत्येक व्यक्ति ने अपने अपने घर में, जितने भी अनुयायी होंगे, अपने अपने घरों में गणेश जी की मूर्ति पधराई हुई थी, जो भी लोग उनको मानने वाले हैं, किसी ने 3 दिन के लिए, किसी ने 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 9 दिन के लिए, 11 दिन या 13 दिन के लिए अपने अपने घरों में गणेश जी को पधराया था, उनमें प्राण प्रतिष्ठा की, और फिर जितने दिन के लिए पधराया होगा उतने दिन के लिए तो पूजा की, और ये मान करके पूजा की कि यह साक्षात गणेश जी का स्वरूप है। लेकिन जैसे ही गणेश चतुर्थी आया, जैसे ही मूर्ति विसर्जन का समय आया, तो क्या किया, सभी लोगों ने ले जा करके या तो जिनके आसपास नदियां थी नदी में डाल दिया। महाराष्ट्र में, मुंबई में रहने वाले जो लोग होंगे, उन्होंने अगर आसपास में समुद्र पड़ता होगा सागर में ले जा करके डाल दिया, किसी ने नदी में ले जा करके डाल दिया, किसी को कुछ नहीं मिला अगर तो फिर नालों में डाल दिया। ऐसे बहुत सारे वीडियोज आपको उपलब्ध हो जाएंगे, फेसबुक पे आप देख लेंगे, यूट्यूब पे देख लेंगे, लोग दिल्ली की सड़कों पर गणेश जी की मूर्ति को रख करके नाच रहे हैं और बाद में ले जा करके कहाँ डाल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर तो कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ की नालियों में ऊपर से फेंक रहे हैं। क्या फ़ायदा ऐसी उपासना का? और केवल गणेश जी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो मैंने क्योंकि अभी अभी बीता है कुछ समय पहले, तो बिल्कुल ताज़ा उदाहरण दे रहा हूँ मैं। ऐसे अनेकों उदाहरण है, जब नवरात्रि आएगी तो देवी की मूर्ति बनाएंगे और ऐसा ही करेंगे, जब सरस्वती पूजा आती है जनवरी फरवरी के महीने में तो सरस्वती जी की मूर्ति के साथ ऐसा ही करते हैं। इसीलिए मेरे मन में आया कि इस विषय पर चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है। इसके कुछ और भी कारण हैं जिन कारणों को मैं आगे स्पष्ट करता जाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेदों से। यजुर्वेद का 32वां अध्याय है और उसका 3रा मंत्र है, जिसमें कहा न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यसः। उस परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं है, चूंकि उसकी प्रतिमा बनाई कैसे जा सकती है। जिस
परमात्मा का यश, क्योंकि महद यश शब्द आया है, जिस परमात्मा का यश महान है, प्रसिद्ध है, उसकी कोई भी प्रतिमा नहीं है। यजुर्वेद में ही एक मंत्र आता है जिसमें स्पष्ट शब्दों में कहा, अंधतमः प्रविशन्ति ये संभूतिम उपासते, अर्थात जो एक चेतन परमात्मा को छोड़कर प्रकृति जन्य, प्रकृति का मतलब चाहे वो व्यक्त रूप में हो चाहे वो अव्यक्त रूप में हो, जो एक चेतन परमात्मा को छोड़कर के व्यक्त या अव्यक्त प्रकृति से उत्पन्न पदार्थों की उपासना करता है वह घोर अंधकार में चला जाता है। ये मेरा किसी व्यक्ति का कथन नहीं है, जिस वेद को हम ईश्वरीय वाणी कहते हैं उस यजुर्वेद का ये मंत्र है। इसी तरह से उस परमात्मा के विषय में कहा, इंद्रियेभ्यः परः मनो मनसः सत्वमुत्तमम् सत्वादपि महान् आत्मा महत्व अव्यक्तमुत्तमम्। इंद्रियों से और मन से जो परमात्मा परे है, कहते हैं इंद्रियों से मन सूक्ष्म है, मन से सूक्ष्म जो है वो अहंकार है, अहंकार से भी सूक्ष्म महत्त्व है, महत्त्व से भी सूक्ष्म प्रकृति है, और प्रकृति के साथ में जीव भी सूक्ष्म है, और जीव तथा प्रकृति से भी सूक्ष्म जो परमात्मा है उसका आकार या उसकी मूर्ति इस संसार में कोई कैसे बना सकता है, और इसके बहुत सारे नुकसान हुए हैं। अब वेद का मंत्र मैंने आपको दिया अभी, अंधतम प्रविशन्ति ये संभूतिम उपासते। अभी जो हमने उदाहरण सुना वो उदाहरण है वेद के जो व्याख्यान ग्रंथ हैं जिनको हम कहते हैं आरण्यक या फिर उसके बाद आते हैं उपनिषद, तो ये उदाहरण है कठोपनिषद का। उसके बाद मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद में कहा गया है, दिव्यो ही अमूर्तः पुरुषः सह बाह्यभ्यंतरोजः अप्राणो ही अमनः शुभ्रो ही अक्षरात् परः। अक्षर से परे जो प्रकाशवान परमात्मा है वह अमूर्त है, मूर्ति से रहित है, मन की पहुंच वहां तक नहीं है, वह प्रकृति और जीव से भी सूक्ष्म है, अविनाशी है, और यहाँ जिसकी हम मूर्ति बनाते हैं वह क्या प्रकृति से परे है, वह क्या जीव और प्रकृति से सूक्ष्म है, क्या वो मन या फिर अहंकार से सूक्ष्म है? ये तो कुछ प्रमाण है वेद के और उपनिषद के। अब कुछ उदाहरण के बाद तर्क हम समझते हैं कि अगर हम मूर्ति की पूजा करते हैं, अगर हम उसकी उपासना करते हैं, तो एक तथ्य आप याद रख लीजिए, आपसे अगर पूछा जाता है कि परमात्मा कितने हैं, आप कहते हैं एक है, एक परमात्मा का स्वरूप भी एक ही होगा। अगर परमात्मा एक है तो उसका स्वरूप भी एक होगा। कोई तो उसको आठ हाथों वाली स्त्री के रूप में पूज रहा है, कोई उसको हाथी के सिर वाले पुरुष के रूप में पूज रहा है, कोई उसको चार हाथ बना करके उसके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म रख करके पूज रहा है, कोई उसको शिवलिंग के रूप में बना करके पूज रहा है, कोई उसको शालिग्राम के रूप में बना करके पूज रहा है, और ऐसे अलग अलग रूपों में, अनेक रूपों में बना करके पूज रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप मूर्ति भी बना करके पूजते हैं तो उनमें से सही आकृति परमात्मा की कौन सी है, सही स्वरूप परमात्मा का कौन सा है, पहली बात। दूसरी बात, परमात्मा के विषय में किसी से भी पूछा जाता है कि वो कैसा है, उसके लक्षण क्या है, उसके गुण क्या है, तो सबसे पहले उनके लक्षणों के विषय में बताने के लिए तीन शब्द हमारे अंदर आते हैं। हम कहते हैं वह परमात्मा सत्य है, वह परमात्मा चेतन है, और वह आनंद का स्वरूप है। दूसरे लक्षणों को तो आप बाद में ले लेंगे, सबसे पहले उसके बारे में कहा जाता है कि वह सत्य है। और सत्य का मतलब क्या होता है, जो भूतकाल में भी एक जैसा था, वर्तमान में भी वैसा ही है, और भविष्य में भी वैसा ही रहने वाला है। अब जिस मूर्ति की हम उपासना कर रहे हैं, जिस मूर्ति की हम पूजा कर रहे हैं, उसमें ये लक्षण लागू करके देखते हैं, तो वो कहीं पर भी सिद्ध नहीं होता है, कहीं पर भी वो लक्षण घटित नहीं होते हैं, क्योंकि आपकी मंदिर में आने से पहले वह मूर्ति पत्थरों के रूप में पड़ी हुई थी, बिल्कुल सामान्य पत्थर। उसके बाद मूर्तिकार के हाथ में गए तो उसने
उसको जितनी समझ थी, उसकी जैसी कला थी, उस कला के आधार पर उसने उस पत्थर को रूप परिवर्तित कर दिया। अब कला उसमें किसकी है, बड़ाई उसमें किसकी है, मूर्तिकार की। अगर आप मूर्ति की पूजा करते हैं तो उस मूर्ति से भी बड़ा तो बनाने वाला है ना, मूर्तिकार की पूजा करनी चाहिए फिर तो। अब जो मैं लक्षण बता रहा था सत्य का, कि मूर्तिकार के हाथ में आने से पहले वह मूर्ति किसी और पत्थर के रूप में पड़ी हुई थी, बिल्कुल सपाट पत्थर के रूप में मूर्तिकार के हाथ में आई। उसने अपना हथौड़ा चलाया, छेना हथौड़ा चलाया, अपनी कला दिखाई उसमें और उसका रूप परिवर्तन कर दिया। और रूप भी कैसा परिवर्तन किया, अब सोचिए आपकी बुद्धि कितनी है, अपनी बुद्धि और अपने विवेक को जागृत कर कर सोच लीजिए कि वो मूर्तिकार अगर चाहता है और वो मूर्तिकार उसी पत्थर को 8 हाथों वाली या 10 हाथों वाली एक स्त्री के रूप में दिखाता है तो आप उसको देवी मानते हैं। पत्थर वही है, लेकिन अगर वही मूर्तिकार उसको 4 हाथ में शंख चक्र गदा और पद्मधारी दिखाते हैं और गरुड़ पर बिठा देता है तो आप उसी पत्थर को विष्णु भगवान मान करके पूजा करते हैं। तो आपके मन को परिवर्तित कौन कर रहा है, मूर्तिकार की कला। अगर वही मूर्तिकार उसी पत्थर को एक सूंड वाले, एक दांत वाले और पास में चूहा रखा हुआ लंबे पेट वाले के रूप में दिखा देता है तो आप कहते हैं कि ये तो गणेश जी है, ये तो वो कुछ भी नहीं, पत्थर ही है, लेकिन मूर्तिकार ने जो रूप देना चाहा आपने उसको वही मान लिया। तो इसका मतलब क्या है, पहले वो पत्थर के रूप में था, अर्थात आज जिस रूप में आप देख रहे हैं पहले वैसा नहीं था, पहले जैसा था आज वैसा नहीं है, और कुछ समय के बाद में, क्योंकि यजुर्वेद का जो मैंने पहले मंत्र बताया अंधतम प्रविशन्ति ये संभूति उपासते, उसमें व्यक्त और अव्यक्त प्रकृति जन्य पदार्थों की बात की गई है। और प्रकृति जन्य जो भी पदार्थ अणु और परमाणु से मिल करके बना है, इस संसार के जितने भी पदार्थ हैं उनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जिसमें से न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, तटस्थ है, ना वो प्लस है ना माइनस है। बाकी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में गति तो हमेशा चलती रहती है, और जब तक यह सृष्टि है तब तक प्रकृति जन्य प्रत्येक पदार्थ परिवर्तनशील है। तो मूर्ति कल की जैसी आज नहीं है और भविष्य में आज की जैसी नहीं रहने वाली है, कुछ समय के बाद में। अभी आपने देखा जिस गणेश जी की आप पूजा कर रहे थे मूर्ति बना करके, वो आप आज जा करके देख लीजिए, जिन नालों में आपने डाल रखा है, जिन नदियों में आपने डाल रखा है, क्या वो मूर्ति कल की जैसी है? या जब आप घर में लेकर के आए थे तो क्या आज भी वैसी ही है जैसा आप घर में लेकर के आए थे? और घर में लाने से पहले 10 दिन या 15 दिन पहले क्या वो मूर्ति उस रूप में थी? क्योंकि जब भी ऐसे त्यौहार आते हैं तो आप कहीं पर भी देख लीजिए, जहाँ पर भी मूर्ति बनाने की फैक्ट्री होंगी, जहाँ पर भी ऐसे मूर्ति का काम करने वाले लोग होंगे, कलाकार होंगे, उनके वहाँ ऐसी बहुत सारी आकृति दिखाई पड़ेंगी, मिट्टी होंगे और फिर उसको बनाएंगे, सजाएंगे। तो वो बिजनेस जो है उनका 10-15 दिन पहले से शुरू होता है, 10-15 दिन तक चलता है और उसके बाद में बंद हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि भूतकाल में वैसा नहीं था, आज वैसा नहीं है और भविष्य में वो मूर्ति वैसी रहने वाली नहीं है। अभी तो मिट्टी को मूर्तियों की बात छोड़ दीजिए, जो पत्थरों से बनी हुई मूर्ति है वो भी कुछ सालों के बाद वैसा कहाँ रहता है? कुछ समय के बाद में आप जीर्णोद्धार के नाम पर उन मूर्तियों को परिवर्तित कर देते हैं, वहाँ से मूर्ति हटा देते हैं, अब वो मूर्ति समाप्त हो गया, उस मूर्ति से भगवान जी चले गए और दूसरी मूर्ति में आकर के विराजमान हो जाते हैं। कितनी हास्यास्पद बात है। तो इसका मतलब क्या है, वो सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य तो कभी परिवर्तनशील होता ही नहीं है, और जो परिवर्तनशील ना हो वही सत्य है। तो सच्चिदानंद में से सत्य का भी लक्षण उसमें घटित नहीं हो रहा है। दूसरा लक्षण है चेतन का। चेतन का मतलब क्या है, चेतन के लक्षण क्या होते हैं? चेतन के लक्षण, अगर सभी लक्षण आपको याद भी ना होंगे, सभी लक्षण बताने की यहाँ आवश्यकता भी नहीं है, साफ तौर पर ये समझ सकते हैं कि जो किसी प्रकार की लीला करता हो, किसी भी प्रकार की लीला करता हो, वह चेतन है। जिस मूर्ति की आप पूजा करते हैं ये कह करके कि इसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दिया है, मान लीजिए सुबह पुजारी जी उठते हैं, उनको बाल भोग कराते हैं, बाल भोग मतलब नाश्ता कराते हैं, दोपहर को भोजन कराते हैं और रात को रात का भोजन कराते हैं, दिन में 5 बार भोग लगाते हैं, लेकिन क्या वो मूर्ति उसको ग्रहण करती है? अगर ग्रहण नहीं करती तो वो चेतन किस बात का?
अगर वह मूर्ति उसको ग्रहण नहीं कर सकती तो चेतन किस बात का है। और दूसरा प्रमाण, ये दूसरा तर्क समझ लीजिए, उस मूर्ति के सामने अगर आपने भोग लगाया है, वो भोग ढक करके रखने की क्या जरूरत पड़ती है, उस पर मक्खियां बैठती हैं इसलिए ना, और अगर चेतन है तो वो क्या उसको भगा सकता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जीवन की एक घटना मैं बताता हूँ आपको। जब वो स्वामी दयानंद नहीं बने थे, जब वो मूल शंकर थे, शिवरात्रि का समय था, सभी लोग जागरण कर रहे थे, जितने भी लोग शिव जी के नाम पर जागरण करने वाले, और वो भी अपने पिताजी की आज्ञा से जागरण में लगे हुए थे। कुछ समय के बाद में सभी लोगों को नींद का एक ऐसा झोंका आया, होता है सबके साथ में, सब लोग सो गए। अब जो वहाँ पर मूर्ति रखी हुई थी और उसके सामने जो प्रसाद रखा हुआ था, लड्डू वगैरह मिठाइयाँ वगैरह रखी हुई थी, तो वहाँ एक चूहा आया। चूहा आता है उन मिठाइयों को खाने के लिए, क्योंकि मूल शंकर उस समय में बाल मन, उसके मन में एक बात है, उसके मन में एक सवाल उठता है कि ये कैसा भगवान है, हम सब उनकी पूजा इसीलिए करते हैं कि वो हमारी रक्षा करें, वो हमारा सहारा बने, वो हमें साथ दें, लेकिन ये तो खुद स्वयं अपने प्रसाद की, अपने भोग की, अपने भोजन की रक्षा एक चूहे से नहीं कर पा रहा है, तो फिर ये हमारी रक्षा कैसे करेंगे। वहाँ से उनके मन में ये विचार आया कि नहीं, इनकी पूजा करना सही नहीं है। अगर परमात्मा की पूजा करनी है, चाहे आप किसी भी रूप में माने, मैं नाम की बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी नाम से उनको जाने, क्योंकि नाम तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता, उस परब्रह्म तक। चाहे आप किसी भी धर्म ग्रंथ को खोल करके देख लीजिए, चाहे वो वैदिक ग्रंथ हो, चाहे ब्रह्मवाणी हो, चाहे कई और ग्रंथ हो, कहते हैं न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति न मनो विदुमो न विजानीमो। इसी तरह से वाणी भी कहती है, बेहद को शब्द न पहुँचे तो क्यों पहुँचे दरबार, लुगा न पहुँचे रासलो तीन पार के भी पार, अक्षर अक्षरातीत कहा वहीं सो भी कही है तित्य शब्द, शब्दातीत क्यों पा वहीं है जो दुनिया है। तो वहाँ तक शब्द नहीं पहुँच सकते, नाम नहीं पहुँच सकता। तो आप किसी भी नाम से, यहाँ के भाववाचक नामों से जान लें, लेकिन स्वरूप की जब हम बात कर रहे हैं तो उनके मन में ये विचार आया कि ये जो स्वयं अपनी रक्षा, अपनी हिफाजत नहीं कर सकता, वो दूसरों की रक्षा क्या करेगा। वहाँ से उनके अंदर ये भावना आई कि नहीं, मूर्ति की पूजा करना सही नहीं है। तो चेतन का लक्षण भी वहाँ घटित नहीं होता। अब यहाँ पर आप तर्क देते हैं, जितने भी मूर्ति पूजक हैं और मूर्ति पूजक जितने भी लोग हैं, मैं उनको तीन रूप में बांटता हूँ। तीन रूप का मतलब, एक जिनको हम कहते हैं मूर्तिकार, पहला रूप तो वो हो गया जिन्होंने मूर्ति को बनाया है। दूसरा रूप पुजारी का, जो मूर्ति की पूजा करवाते हैं। और तीसरा हो गया पूजक, पूजक का मतलब हो गया सामान्य भक्तगण। सामान्य भक्तगण और पूजक के बीच में संबंध वही माना जाता है। मूर्ति पूजा के जो नुकसान है उसको मैं एक बता रहा हूँ कि सामान्य लोगों के बीच में और पुजारी के बीच में ये फर्क होता है। पुजारी को यह माना जाता है कि वह सामान्य भक्त और भगवान के बीच की एक सीढ़ी है, वही एक ऐसा साधन है जो एक सामान्य व्यक्ति को परमात्मा तक पहुंचा सकता है। जबकि मूर्ति पूजा को छोड़ करके अगर आप ध्यान साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, अगर आप आंतरिक भक्ति करते हैं, तो उस समय आपको किसी भी प्रकार के साधन की जरूरत नहीं होती है। नहीं तो मैं कड़वे शब्दों का प्रयोग इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले कहा, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें बीमार को भी नहीं लगता कि मैं बीमार हूँ, ये एक ऐसा रोग है। तो रोगी की दवा हमेशा मीठी नहीं होती है। कड़वे शब्दों का मैं प्रयोग इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा लगता है जितने भी लोग मूर्ति की पूजा करने वाले हैं, चाहे आप जितने भी तीर्थ स्थानों में जाकर के देख लीजिए, मैं केवल बुराई करने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ, लेकिन जब तक दुष्परिणाम नहीं बताएंगे, जब तक उसके नुकसान नहीं बताएंगे, तब तक लोग उससे विमुख होकर के सत्य की तरफ नहीं बढ़ेंगे। तो जितने भी स्थान हैं जहाँ पर मूर्ति की पूजा होती है, वहाँ पर लाइन लगी रहती है, प्रसाद लेकर के लोग लाइन में लगे रहते हैं, लोटे में दूध लेकर के लोग लाइन में लगे रहते हैं, हाथ में थाली लेकर के लोग लाइन में लगे रहते हैं। लेकिन अब उनमें जो VIP होते हैं, VIP का मतलब चाहे वो राजनीतिक दृष्टिकोण से, चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण से अगर VIP होते हैं, उनके लिए अलग दरवाज़ा होता है। वो पीछे के दरवाजे से जाकर के जिनको वो परमात्मा मान रहे होते हैं उनका दर्शन कर सकते हैं, उनको भोग लगा सकते हैं। और जो बीच में एजेंट है,
क्योंकि वीआईपी और सामान्य भक्त में वही अंतर है। सामान्य भक्त उनको कुछ दे नहीं सकता, देगा भी तो 2-4 रुपए देगा, और जो वीआईपी होते हैं वो ज़्यादा दे सकते हैं, तो वो सीधे ले जा करके उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट संपर्क परमात्मा के साथ करा देते हैं। लोग मेरी इस बात का विरोध करेंगे, लेकिन फिर भी मैं सत्य को रख रहा हूँ, क्योंकि सत्य को कहना और उसको स्वीकार करना ही धार्मिक व्यक्ति का लक्षण है। अब मान लीजिए कि मूर्ति पूजा समाप्त हो गई, तो जितने भी व्यक्ति हैं, पूरी दुनिया के लोग जो भी परमात्मा को जिस भी नाम से जानते हो, जिस भी नाम से पुकारते हो, वो अपने हृदय में देखेंगे, क्योंकि परमात्मा कहाँ है, कहीं और तो नहीं है। गीता कहती है ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, तो अपने हृदय में देखेंगे। अब उनके लिए अलग से लड्डू ले जाने की ज़रूरत नहीं किसी एक स्थान पे, आप अपने घर में बैठ करके भी। ये जो प्रथा कहाँ से चली, क्योंकि ये जो प्रश्न आता है मूर्ति की पूजा का, चाहे वो उसमें दूध चढ़ाएं, चाहे आप लड्डू चढ़ाएं, चाहे कोई भी भोग चढ़ाएं, ये प्रथा कहाँ से शुरू हुई, अगर ये भी बात समझ में आ जाएगी। क्योंकि सभी एक दूसरे के पूरक होते हैं, जितनी भी बुराइयाँ हैं, जितने भी रोग हैं, और ये इस प्रकार का रोग है कि एक ही बीमारी नहीं है इसमें, एक बीमारी की वजह से, क्योंकि ये हर प्रकार की बीमारी का एक मूल है। जैसे मान लीजिए एक आयुर्वेद का एक उदाहरण मैं देता हूँ, कहते हैं सर्वे दोषा मलाश्रया, पेट का अगर रोग होता है सेंटर में तो अलग अलग प्रकार की बीमारी उत्पन्न होती है, तो ये भी एक इसी प्रकार की बीमारी है। एक बीमारी की वजह से अनेकों बीमारी, अनेकों रोग उसमें उत्पन्न होते हैं। अब मूर्ति पूजा की वजह से, जड़ पूजा की वजह से, ये जो भोग लगाने का, ये जो जल चढ़ाने का और दूध चढ़ाने का जो चलन शुरू हुआ है, इसके भी दुष्परिणाम है। इस दुष्परिणाम के विषय में तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी जो प्रसंग चल रहा है कि ये जो प्रथा शुरू हुई, ये प्रथा मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ, आगे विस्तार करेंगे। कि संक्षिप्त में ये प्रथा शुरू हुई थी कि जैसे जितने भी वैदिक काल के लोग हैं जो एक परमात्मा की उपासना करते थे, वो भोजन करने से पहले परमात्मा को ध्यान में रख करके ये प्रार्थना किया करते थे कि हे परमात्मा, तेरी कृपा से जितने भी द्विपदी लोग हैं, जितने भी चतुष्पदी लोग हैं, उनको भोजन मिल रहा है तो तेरा धन्यवाद है। उस परमात्मा का धन्यवाद दिया करते थे, वो उनको भोग नहीं लगाते थे। लेकिन बाद में जा करके, क्योंकि लोगों ने मूर्ति पूजा अनेकों प्रतीकों के रूप में शुरू कर दी और फिर उनके सामने ही भोग लगाना शुरू कर दिया, तो वहाँ से ये प्रथा शुरू हो गई। अब जिस चेतनता की मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी लोग हैं उनको लड्डू चढ़ाते हैं, चाहे कितने हर प्रकार की मिठाई चढ़ाते हैं, वो परमात्मा अगर चेतन होता, जो मूर्ति के रूप में है, वो अगर चेतन होता तो उसको ग्रहण करता या फिर उसकी रक्षा करता, तो वो चेतन भी नहीं है। अब कुछ लोग, क्योंकि मैंने एक नाम लिया था, एक प्रसंग शुरू किया था कि जितने भी लोग उसके पूजक हैं, सामान्य व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, वो ये तर्क दिया करते हैं कि इस मूर्ति में हमने प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है कि इसमें चेतना आ गई है, और चेतना का लक्षण क्या होता है, सुख दुख इच्छा प्रयत्न, ये सब चेतना के लक्षण होते हैं। तो क्या वो सुख का अनुभव कर रहा है, क्या वो दुख का अनुभव कर रहा है, चाहे वो किसी प्रकार की इच्छा कर रहा है, चाहे वो किसी भी प्रकार का प्रयत्न कर रहा है, उन्मेष निमेष ये चेतना के लक्षण होते हैं। क्या वो पलकें खोल रहा है, क्या वो बंद कर रहा है, ये सारे लक्षण उसमें घटित होते हैं जो चेतन है। चूंकि मूर्ति चेतन नहीं है, इस वजह से ये सारे लक्षण उसमें घटित नहीं हो रहे। अब जो लोग कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा कर दी, प्राण प्रतिष्ठा करने वाला कौन, कोई एक पुजारी, कोई भी? पंडित जी कहते हैं कि मैंने उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। प्राण प्रतिष्ठा करने का मतलब मैंने उसे जीवित कर दिया है। आप बात कर रहे हैं, एक सोच करके देख लीजिए, और सभी लोग, जितने भी लोग मेरी इस बात को सुन रहे हैं, सभी लोग 5 मिनट के लिए इस प्रवचन के समाप्त होने के बाद ध्यान से सोचें कि क्या वो पुजारी परमात्मा से भी बड़ा है कि वो पत्थर में प्राण डाल रहा है। अगर परमात्मा ये चाहता कि लोग मेरी पूजा पत्थरों के रूप में करें, तो वो पत्थर पहले से ही प्राणयुक्त होकर के हमारे सामने उपस्थित क्यों नहीं होता? वेद के किस मंत्र में या फिर उपनिषद के कौन से वाक्य में, दर्शन के कौन से सूत्र में ऐसा कहा है कि कोई व्यक्ति पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा कर सकता है? अगर कोई पुजारी, अगर कोई साधु, अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति ऐसा हो जो पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है, उसको जीवित कर सकता है, उसको चेतन कर सकता है। मान लीजिए कुछ तर्क में प्रस्तुत करता हूँ, सूर्य देव की बात करते हैं,
क्योंकि हिंदुओं में तो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा हो रही ना। अगर एक सूर्य नारायण का मंदिर है और वहाँ एक मूर्ति है, कोई पुजारी जा करके उस पर प्राण प्रतिष्ठा अगर कर देता है, उस पर अगर प्राण डाल देता है, ठीक, तो क्या उसमें सूर्य भगवान के लक्षण आ जाएंगे? क्या सूर्य का तापमान, सूर्य का प्रकाश उसमें आ जाएगा? सूक्ष्म रूप में ही सही, क्या वो थोड़ा सा भी गर्म होगा? नहीं हो सकता। किसी और देवी देवता की बात कर लें, किसी भी देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा अगर हम करते हैं पत्थर में, तो क्या उनमें उसके लक्षण आ सकते हैं? नहीं आ सकते। दूसरा तर्क, मान लीजिए कि उस व्यक्ति के जो प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है, चाहे वो पुजारी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी पंडित हो, जो व्यक्ति, जो पुजारी या पंडित प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है, उसके परिवार में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, तो जो इतना सक्षम था कि एक पत्थर की बेजान सी, जिसमें कभी प्राण का नामो निशान भी नहीं था, उसको प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है, तो क्या अपने परिवार के किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाने पर वह उनमें वो प्राण फूंक सकता है? नहीं फूंक सकता। तो इसका मतलब क्या है? मूर्ति पूजा पूजा तो है ही नहीं, क्योंकि पूजा का मतलब क्या होता है? पूजा का मतलब यथायोग्य व्यवहार, पूजा का मतलब सत्कार। तो यहां तो हम यथायोग्य व्यवहार कर ही नहीं रहे। परमात्मा ने जो ज्ञान हमें वेदों के रूप में दिया और बाद में ऋषियों ने जो हमें उपनिषद दर्शन के रूप में, आरण्यकों के रूप में दिया, हमने तो परमात्मा के ज्ञान की ही अवहेलना कर दी। हमने क्या किया कि प्रकृति की जो मर्यादा है उसका ही हमने उल्लंघन कर दिया। परमात्मा के द्वारा बनाई हुई जो प्रकृति है, और प्रकृति ने उस पत्थर को अगर जड़ बनाया, तो हम इतने बड़े हो गए कि हमने उसको चेतन बना दिया, कहने के लिए ही सही कि हमने उसको चेतन बनाया, तो ये तो प्रकृति की मर्यादा का उल्लंघन हो गया। अगर उस मूर्ति को चेतन होता, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अगर उस मूर्ति की हमें पूजा करनी होती तो वो पहले ही चेतन रूप में ही होता, तो हम इनकी पूजा क्यों करें? इसीलिए हर दृष्टि से देखें, चाहे आप तार्किक दृष्टि से देख लें, चाहे आप वैज्ञानिक दृष्टि से देख लें, चाहे आप वेद दर्शन उपनिषद की दृष्टि से देख लें, किसी भी दृष्टि से मूर्ति पूजा अध्यात्म की उन्नति में साधक नहीं अपितु बाधक है। किसी भी तरह से ये परमात्मा तक पहुंचने का साधन नहीं हो सकता। अब कुछ लोग ये तर्क दिया करते हैं, जो लोग मूर्ति पूजा के पक्षधर हैं वो ये तर्क दिया करते हैं कि जो लोग अज्ञानी हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता, वो कम से कम इसी बहाने से इसी रूप में परमात्मा को मानते तो रहते हैं, तो इसमें क्या बुराई है? तो इसका उत्तर ये है कि जो अज्ञानी है, अज्ञानी को और अज्ञानता की तरफ बढ़ाना ये सही नहीं है। जन्म लेते ही, पैदा होते ही तो कोई ज्ञानी होकर के नहीं आया था। जो लोग ये कहते हैं कि अज्ञानी लोगों के लिए सही है, क्या वो लोग ज्ञानी थे? क्या वो लोग पैदा होते ही वेद शास्त्र दर्शनों का अध्ययन करके आए थे? उन्होंने भी ज्ञान लिया, उन्होंने भी सही बात को अगर समझा होगा, तो ये बात कह रहे हैं कि ये लोग अज्ञानी है, तो उनको ज्ञान देना सही है या फिर अज्ञानता की तरफ और बढ़ा देना सही है? और जो लोग ये तर्क देते हैं कि वो किसी तरह से तो मूर्ति पूजा से जुड़े रहते हैं, ये बात सही है, वो मूर्ति पूजा से ही जुड़े रहते हैं, वो कभी भी सत्य का आभास नहीं कर पाते, सत्य की पहचान नहीं कर पाते, पूरा जीवन ये यही सोच करके और यही समझ करके गुजार देते हैं कि हम तो सही कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि रोगी को भी ये नहीं लगता कि मैं बीमार हूँ, तो ये ऐसा रोग है। तो इसीलिए ये जो तर्क देते हैं हम कि कम से कम वो व्यक्ति किसी तरह से तो जुड़ा रहता है, वो परमात्मा से नहीं जुड़ा रहता है, वो परमात्मा से विमुख होता है, ये तो बिल्कुल ही असत्य है। किसी भी तरह से इसको सही नहीं ठहराया जा सकता अध्यात्म के क्षेत्र में। इसीलिए हर दृष्टि से, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में एक ही बार अगर हम ज़्यादा बात कह देंगे तो पूरी बात कोई भी नहीं समझ पाएगा। आगे आने वाले दिनों में, अब कल हम देखेंगे कि उपनिषद इसके बारे में क्या कहते हैं, दर्शन मूर्ति पूजा के विषय में क्या कहते हैं, गीता इसके बारे में क्या कहती है, दूसरे धर्मग्रंथ इसके बारे में क्या कहते हैं, और हमारी जो बुद्धि है, क्योंकि अंतरात्मा की भी तो साक्षी के विषय में मैंने कहा, आप स्वयं सोच करके देख लीजिए, मेरी बात को सुनने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बात को मानने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरी बात को केवल एक बार सुन करके और अपनी अंतरात्मा में भी विचार करके देख लीजिए कि हम कहाँ तक सही हैं,
प्राचीन ऋषि मुनियों का उदाहरण देख लीजिए। अब एक, क्योंकि मैं बंद करने से पहले एक उदाहरण दे करके आपको जा रहा हूँ, एक बात सुन लीजिएगा। मूर्ति पूजा के पक्षधर एक तर्क दिया करते हैं, एक उदाहरण दिया करते हैं महाभारत का, कि एकलव्य था, एकलव्य ने मूर्ति पूजा से ज्ञान पाई थी। तो सभी लोग हाँ में हाँ मिलाते हैं, जितने भी लोगों ने महाभारत देखा होगा या सुना होगा, कभी पढ़ा होगा, तो वो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं कि हाँ द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई थी, पूजा था, इसलिए उसने ज्ञान प्राप्त किया। मूर्ति पूजा से ज्ञान प्राप्त नहीं किया था, ज्ञान उसने अभ्यास से प्राप्त किया। अगर केवल मूर्ति बनाई होती, अभ्यास नहीं किया होता, तो उसको धनुर्विद्या का ज्ञान नहीं मिलता। लेकिन मूर्ति पूजा से फायदा नहीं हुआ, लाभ नहीं हुआ, अभी तो उल्टा नुकसान ये हो गया। अगर उसने मूर्ति नहीं बनाई होती, कि बेचारा अज्ञानी था, अगर उसने मूर्ति नहीं बनाई होती द्रोणाचार्य की, तो उसका अंगूठा नहीं कटता। सोच करके देख लीजिए मेरी बात में कितनी सच्चाई है। अभ्यास तो उसको वैसे भी करना था, भले ही ये प्रसंग बाद में जोड़ा गया हो, ये प्रसंग प्रक्षेपित भी हो सकता है, क्योंकि महाभारत में सब लोग जानते हैं पहले 17,000 श्लोक थे, उसके बाद में 21,000 या 23,000 हो गए, आज 1,00,000 से ज़्यादा श्लोक हैं। तो हो सकता है कि ये प्रसंग प्रक्षिप्त हो, लेकिन प्रक्षिप्त होने के बाद भी आप उस तर्क को भी लेकर के द्रोणाचार्य और एकलव्य के भी प्रसंग को लेकर के आप अपने पक्ष को पुष्ट नहीं कर सकते कि मूर्ति पूजा से एकलव्य ने ज्ञान प्राप्त किया था। उसने जो ज्ञान प्राप्त किया, वो प्राप्त किया अपने अभ्यास से, और अपना अंगूठा जो गंवाया, वो अंगूठा गंवाया द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाने से। अगर वो केवल अभ्यास करता रहता, तब भी ज्ञान उतना ही प्राप्त करता और उसका अंगूठा नहीं कटता। इस विषय पर आप विचार कीजिएगा, और जो भी चर्चा आज हुई, इस चर्चा पर आप गहराई से विचार कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये बात सही है, मूर्ति पूजा और जड़ की उपासना करना वेद के विरुद्ध है, दर्शनों के उपनिषदों के विरुद्ध है, और हर तरह से नैतिकता की दृष्टि से, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक दृष्टि से भी ये गलत है, तो इस बात को विचार करते हुए इस चर्चा को या इस ज्ञान को आप आगे तक पहुँचाइएगा। अब हम कल की चर्चा में ये सुनेंगे कि किस तरह से वेद के और भी बहुत सारे मंत्र हैं जिनका उदाहरण हमें सुनना बाकी है, और इतिहास के ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, चाहे महाभारत देख लीजिए, चाहे रामायण देख लीजिए, चाहे अन्य उदाहरण देख लीजिए, उन उदाहरणों में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिनसे हम शिक्षा लेंगे। उसके बाद में निजानंद दर्शन में चाहे आप वाणी देख लीजिए, चाहे बीतक खोल करके देख लीजिए, चाहे संतों की वाणी, हर धर्म ग्रंथ में ऐसे बहुत से उदाहरण भरे पड़े हैं जो हमें मूर्ति पूजा से छुड़ा करके एक चेतन परमात्मा की ध्यान भक्ति की तरफ लगाने के लिए पर्याप्त।